लेडीज लोगों को सेफ पता नहीं कौन बना देता है। कितनी बुरी तरीके से मारा उसने गेस्ट को, इतना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। अरे शुक्र मना, प्यार तुझसे करता है, मारता किसी और को है। वरना पता है ना, बगल वाला कबीर प्यार भी प्रीति से करता है, मारता भी उसे ही है। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क स्टैंडर्ड फिल्म बैड न्यूज के शुरुआती 5 दिनों के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे कि ये फिल्म क्या बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी या फिर होगी फ्लॉप। फिल्म बैड न्यूज को 70 से 80 करोड़ के एक डिसेंट बजट में बनाया गया है। इस फिल्म को पब्लिक ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म को पब्लिक ने अच्छे रिव्यूज भी दिए, और इसी के चलते बैड न्यूज फिल्म ने अपने पहले दिन पर इंडिया से नेट कलेक्शन किया 8 करोड़ 62 लाख का। वहीं पर दूसरे दिन पर इंडिया से नेट कलेक्शन किया 10 करोड़ 55 लाख का। तीसरे दिन पर इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया 11 करोड़ 45 लाख का। वहीं पर चौथे दिन पर इंडिया से नेट कलेक्शन किया 3 करोड़ 75 लाख का। इस फिल्म ने अपने 5वें दिन पर यानी कि डे 5 पर इंडिया से नेट कलेक्शन किया 3 करोड़ 80 लाख का। और दोस्तों इसी के चलते बैड न्यूज फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया है 38 करोड़ 17 लाख। वहीं पर इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 44 करोड़ 15 लाख का, और ओवरसीज यानी कि विदेशी मार्केट से ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 22 करोड़ का। और इसी के चलते फिल्म बैड न्यूज़ ने अपने शुरुआती 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 66 करोड़ 15 लाख का। जिस तरीके से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है उसे देख कर लगता है कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के बाद एक हिट का वर्डिक्ट ले ही लेगी। वैसे दोस्तों क्या आपने फिल्म बैड न्यूज़ को देखा है, और अगर आपने फिल्म बैड न्यूज़ को देखा है तो आपकी फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।